अरे भाई साहब क्या साउंड है, डाउन शिफ्ट सुनो भाई। पूरी हार्ले वाली साउंड कर रही है। अरे भाई आ रहा है। तो गाइस अब हम लोग Z900 बोल्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पपीज रो रहे हैं यार। ओ भाई सबसे ज्यादा लाउड यही है। तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो। बहुत दिन बाद एक बहुत अच्छा कंटेंट लेके आया हूं। ये आ गए हैं रेड रोस्टर के एग्जॉस्ट GT650 के लिए। तो अभी अब ये लोग खोलने में लगे हुए गाड़ी। बाकी ये अभी मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ तुम लोग सामने। RRP स्टीलर स्टेनलेस स्टील फॉर रॉयल इनफील्ड। एक और देखा उसमें लिखा गया एग्जॉस्ट सिस्टम इंटरसेप्टर 650। मगर ये तो GT650 है। अगर हाँ दोनों के इंजन भी सेम है तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। काफी दिन बाद आए भाई। भाई हम एग्जॉस्ट को अंदर लेते हैं बाहर, क्योंकि कुछ छोटे मोटे डॉगी है तो यार परेशान कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो लॉन्ग आवाज आती। तो इसको यहाँ अनबॉक्स करते हैं। टापू से खाना ना जाना चाकू है और खुलने जा रहा है एग्जॉस्ट। ये भाई रेड रोस्टर मैट ब्लैक, इसका कोई मतलब नहीं। स्टीलर एग्जॉस्ट ये कोई नहीं पड़ता है भाई। ये कुछ शायद स्टिकरिंग का होगा। ये भाई मुझे नहीं पता ये क्या है। ये बहुत अच्छा लग रहा है रेड रोस्टर की कीचेन। ये हो गई नट बोल्ट्स। ठीक है अब फाइनल चीज मेन चीज निकाली जाए, इसके लिए टाइम से वेट कर रहे थे हम लोग। ये एग्जॉस्ट, ये है भाई रेड रोस्टर परफॉर्मेंस। इससे बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और ये काफ़ी लाइट वेट है, मतलब जो स्टॉक लगा रहता है वो काफ़ी भारी रहता है और परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी और अब आवाज़ जाएगी भाई। तो इसको भी अपन अनबॉक्स करके देख लेते हैं भाई। इसमें मैट में भी हल्का हल्का शाइन कर रहा है ये, है शाइन कर रहा है मैट में भी हल्का हल्का भाई। रेड रोस्टर पावर एट प्ले। अब इसको बाहर लेके चलते हैं। ये बहुत डीबी किलर है भाई। डीबी किलर थोड़ी नहीं, अपन को निकाल लेंगे डीबी किलर। डीबी किलर निकाल लेंगे भाई अपन। तो चलो अब इसको बाहर के इंस्टॉल करते हैं भाई। भाई एग्जॉस्ट खुल रहा है यहाँ से। अब इसके बाद RRP डालने वाले अपन। ये रखा हुआ है, इसमें आदमी पानी भर के पी सकता है, इतना बड़ा ग्लास टाइप का लग रहा है। अंदर चीजें हैं भाई, इसके अंदर गंदा है बहुत। तो ये वो सामान है। The next day. तो गाइस हमारी GT में एग्जॉस्ट लग चुका है और काफी टाइम बाद हम इस ब्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। मे बी 2-3 दिन का जोड़ के ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है। तो आधा ब्लॉग अपन निकल लिया था फिटिंग का और आज इसका साउंड तुम लोग को सुनाते हैं भाई पूरा अच्छे से। फिलहाल तो गाड़ी काफ़ी गंदी हो रखी है भाई, इसको आज धुलवा भी देंगे। एक ये ट्रायम भी खड़ी हुई है फ्रेंड की और ये अपनी R15 भी खड़ी है और वो Z900 खड़ी है। तो एक बार तीनों का तुम लोग को कोल्ड स्टार्ट करके सुना देते हैं भाई। अभी कोई गाड़ी कोल्ड स्टार्ट नहीं हुई है, इसका भी कोल्ड स्टार्ट करते हैं, उसका भी और उसका भी। तो देखते हैं सबसे ज़्यादा लाउड किसका है। तो सबसे पहले अपन GT को कोल्ड स्टार्ट करके देखें। सो गाइस अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। न्यूट्रल भी चेक करिए। हाँ चलो न्यूट्रल है। अब देखो गाइस इसका कोल्ड स्टार्ट रेड रोस्टर में। पूरे हार्ले वाली साउंड कर रही है। कौन सी स्ट्रीट रॉड 750 ज़्यादा साउंड कर रही है ना। काफ़ी बेसी सा साउंड आ रहा है भाई। अब इसका अपन साउंड चेक करेंगे। और ये देखो ये कल ये भैया करवा के लाए, चले गए थे गाड़ी लेके। मैंने कुछ तिगड़म दिखाई है। RE रॉयल एनफील्ड का लोगो और जो काउल है इसका, इससे मैच करके लगाया है। अभी तो फिलहाल काउल के जो नट बोल्ट है वो नहीं मिल रहे थे, इसलिए अभी काउल हट जाएगा। बाकी अब ट्रायम्प का साउंड सुन लो। चलो जी भैया ट्रायम्प को भी भाई GT के सामने तुम लोगों को ट्रायम्प का साउंड मे भी नहीं आने वाला, या फिर आ सकता है इनलाइन फोर होने की वजह से। अरे भाई आ रहा है। ये दोनों गाड़ी चालू हो गई। अगल बगल से लोग बोलेंगे हल्ला कर रहे हो तुम लोग इतना। भाई अगल बगल से अपन को डांट बहुत पड़ेगी। तो जल्दी से चलते हैं इस गाड़ी को लेकर, इसको लेकर जाएंगे GT को। आप भी आर R15 को लेकर जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ रील्स भी बना लेंगे। तो जिससे इसमें आपको फॉलो किया जाएगा फॉलो कर लो यार, क्योंकि बहुत ही दोस्तों भी रील नहीं आ रही, रील डाउन हो गई अपने अकाउंट की। बाकी हम उसमें भी अपन डेली रील्स डालने का ट्राई करेंगे। बाकी चलो इसका साउंड एक बार हल्का सा सुना देता हूँ लोग को, देख लो इतनी ठंडी हो रही भाई। अरे भाई साहब भाई हमारी कलोनी फूट जाएगी। तो गाइस अब हम लोग Z900 कोल्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। पपीज रो रहे हैं यार। ओ भाई सबसे ज्यादा लाउड यही है। कुछ स्टिकर्स लगा दिए भाई यहाँ पे। ओवरऑल लुक गाड़ी के देख लो, बाकी ये लगा हुआ है। अब अपन याद करते हैं GT को निकाल के यार GT में ब्लॉक करना है। तो बोल सकते हैं सारी गाड़ियों का
वाला है। अगर तुम लोग देख पा रहे होगे तो यहाँ से टायर उठा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है यहाँ से, तुम लोग बता दो। ये देखो ये ग्रिप एक साइड के डाउन एक साइड के ऊपर है। इस चीज़ को लेके मैं कल कावासाकी भी गया था, मगर कावासाकी वाले ले नहीं देंगे टायर का हमको। अब ओला हमारे देती है, मगर डनलप के डीलर्स ही बहुत कम है पूरे इंडिया में, तो हमको क्लेम मिलना बहुत मुश्किल है। तो हम परेजी का सेट ही ले आए कल जाके, तो हम वही लगवाएंगे। बाकी बैग में तो अपना मिशलिन का टायर लगा ही हुआ है। तो चलो अब यहाँ चलते हैं अपन पढ़ा से भाई, जीटी ने वीडियो बनाने, मतलब जीटी की वीडियो बनी नहीं थी, अब चलते जीटी को लेके बाहर और उसका साउंड सुनेंगे भाई, थोड़ा रेट बनाएंगे। चलो चलते पढ़ा। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग घर से निकल आए हैं। तुम लोग जीटी का साउंड सुन रहे हो, देखो खींचने पे आएगा। अरे भाई साहब क्या साउंड है, डाउन शिफ्ट सुनो भाई। अरे भाई जब इसका इंजन खराब होगा ना तब ये पटाके मारेगी भाई साहब। भाई साहब क्या साउंड है भाई इसका, मतलब तुम लोग बता रहा हूँ, इसका जो दो एग्जॉस्ट होता है ना, दो एग्जॉस्ट, इसके दोनों रेड रोस्टर के एग्जॉस्ट जो है वो एक सिंगल इसका स्टॉक एग्जॉस्ट बराबर का वेट है। मतलब स्टॉक पे सोचो कितना वेट होता है। ये जो मतलब फील दे रहा है ना भाई साउंड का, मतलब आप रिएक्शन देख लो लोगों के, थोड़े बहुत तो आते ही है। ऑफकोर्स सुपर बाइक नहीं है, पैलर ट्विन है, मगर पैलर ट्विन का भी साउंड भाई अलग ही एक को पंच देता है, एक फील दे रहा है। अभी तुम लोग को वॉक अराउंड दिखाता हूँ गाड़ी का, कुछ सिनेमैटिक्स भी दिखाऊंगा और मज़ा आ जाएगा भाई तुम लोग को भी देख के। तो अगर तुम लोग को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक कर देना यार, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आती है तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। लाइक करना है लाइक करो, डिसलाइक करना है डिसलाइक करो, कोई अपन को प्रॉब्लम नहीं है। अब भगाता हूँ भाई थोड़ी सी, भाई साहब क्या पावर फील हो रही है, मजा आ गया गाइस। ऑडियो कैसा आ रहा है बताना यार, वीडियो क्वालिटी कैसी है। ऑफ कोर्स जैसे अपना GoPro Hero 11 है तो मेरे ख्याल से तो अच्छी आनी चाहिए। अरे भाई साहब रेड रोस्टर परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट सही है, परफॉर्मेंस है भाई। एक तो लाइट वेट ऊपर से 3 BHP या फिर 4 BHP का फर्क आता है गाड़ी में, तो 4-5 BHP मतलब मे भी अपन कह सकते हैं कि बढ़ चुकी है गाड़ी की। लोग बच्चों का रिएक्शन भाई साफ, शानदार गाड़ी है। तो गाइस अभी अपन चलते हैं, हेलीपैड जा रहे हैं, होप हेलीपैड खाली हो, कोई हेलीकॉप्टर ना लैंड हो वहाँ पे, तो अपन वहाँ परफेक्ट वीडियो बना सकते हैं। तो चलो चलते अपन हेलीपैड, वहाँ चलो तुम लोग को वॉक अराउंड दिखाते हैं गाड़ी का। गाइस हम हेलीपैड में आए थे, यहाँ तो सब क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ बहुत से लोग हेलीपैड पे वीडियो बनाने आते हैं। ये खाली है हेलीपैड, हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ हेलीपैड पे, तो अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। अब मैं तुम लोग बता देता हूँ इस गाड़ी में अपन ने क्या क्या मॉड करा है, मतलब मॉड के नाम पे सिर्फ मिरर्स लगे हैं और अपना एग्जॉस्ट लगाया। तो एग्जॉस्ट की फिटिंग बता देता हूँ, बहुत से लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, पहली बार में हमने भी एग्जॉस्ट लगा पाया, तो आओ तुम लोग को दिखा देता हूँ एग्जॉस्ट कैसे लगता है। सबसे पहले तो काम ये होता है कि ये जो इसकी पट्टी रहती है ना भाई, ये जो लेफ्ट साइड लगी है ना, ये स्टॉक एग्जॉस्ट के राइट साइड लगी होती है, तो ये राइट साइड वाली पट्टी को अपन को ये घुमा के उल्टी करके ये रेड रोस्टर में लगानी पड़ती है, वरना ये पट्टी आपकी लगेगी ही नहीं भाई। तो सबसे बड़े प्रॉब्लम एग्जॉस्ट लगाने में ये होती है, और स्टॉक एग्जॉस्ट को खींचने में भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ से, क्योंकि ये जो इसका नट बोल्ट वगैरह टाइट है उसमें, तो नट बोल्ट वगैरह नहीं है उसमें, एक क्लिप फंसी रहती है। बहुत ईजी है उसको निकालना, मगर हम लोग फर्स्ट टाइम उसको निकाल ही नहीं पा रहे थे। तो बैक से कुछ लुक्स देख लो गाड़ी का, बाकी तो तुम लोगों ने सिनेमैटिक्स देख लिए होंगे। सो भाई ये बैक से गाड़ी के कुछ लुक्स जो ऐसे दिखती है, इसका हमने पीछे का जो टेल पैनल होता है भाई हमने वो निकाल दिया था, ऊपर से इसका काउल हमारा घर पे रखा है जो कि मैंने तुम लोग को अभी दिखाया भाई, ऊपर से कुछ स्टिकरिंग वगैरह करा दी है भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे भाई की करामात है, जहाँ GT कटा के मोटर राइडर टर्बो लगा दिया है, और ये स्कूटर हड्डी वाला जो भी लगाया है भाई काफ़ी फनी दिखता है। तो ये है अपनी बाइक, और इसका एक बार लुक देख लो भाई, एकदम पूरा वॉक अराउंड एक और बार देख लो, बाकी तो सिनेमैटिक्स दिखाए हैं, मगर पीछे से देखो एक बार लुक भाई, पूरा स्क्रैम्बलर वाला भाई। अब इस पर अपन को टायर डलवाना है अच्छा वाला,
स्क्रैम्बलर वाला टायर डलवाएंगे भाई इसमें, तो इसका लुक और इनहेंस हो जाएगा। बेसिकली वैसे तो इसमें जो टायर आता है वो वर्डस्टाइन का आता है भाई, मगर हम इसमें स्क्रैम्बलर कोई अच्छा सा टायर डलवाएंगे भाई, देखेंगे ये वर्डस्टाइन का। ये भी मेरे ख्याल से सॉफ्ट कंपाउंड ही है, मेरे को फील हो रहा है हल्का हल्का। बाकी भाई गाड़ी का साउंड मैंने तुम लोग को सुना दिया है, और आते वक्त थोड़ा सा वीडियो भी बनवा लिया, थोड़े बहुत रिएक्शन अगर रिकॉर्ड हुए तो अच्छी बात है। बाकी एक बार यहाँ खड़े खड़े साउंड सुना देता हूँ। तो भाई अब तुम लोग एग्जॉस्ट का साउंड सुनाते हैं, उस पहले इग्निशन ऑन कर ले भाई। मारे ही भाई जब गर्म हो जाएगी, अभी भी पॉप्स एंड बैंग्स आ रहे हैं, मगर अगर इसको हमने कोड 6 ट्यून्ड करवा दिया तो मे भी इसका साउंड बहुत ज़्यादा ही तगड़ा हो जाने वाला है। इसमें छोटे मोटे मॉड्स और आएंगे, अभी तो सबसे बेसिक चीज़ थी जो इसमें रेड रोस्टर का एग्जॉस्ट लगवाना था। इसका साउंड सेम भाई हार्ले डेविडसन 750 जैसा आता है, डिक्टो वही साउंड है इसमें, तो एक टाइप से कह सकते हैं कि अपन ये बेस्ट मशीन है 650 सीसी की साउंडिंग वाली और बजट फ्रेंडली, जो कि 4 लाख तक की रेंज में आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। और ये अपना एकदम ब्रांड न्यू मॉडल है जिसमें आपको यार टैंक मिलता है। बहुत से लोग क्या करते हैं मिस्टर क्लीन के लिए वेट करते हैं, मिस्टर क्लीन के लिए भाई 3-3 महीने वेट करना पड़ जाता है, तो हमको इतना वेट नहीं करना, तो हमने ये उठा ली। और उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें अपन को स्पोक व्हील्स मिलते हैं, जिसके चक्कर में भाई अपना जो पंचर होता है तो टायर ही पूरा निकलेगा और ट्यूब में पंचर बनेगा, बहुत लफड़ा हो जाएगा भाई इसमें। इसीलिए हमने ये प्रीफर की कि ये गाड़ी लेते हैं। अब इसमें कुछ टाइम बाद एक मॉड करेंगे जिसमें अपन क्रोम टैंक लगा देंगे। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार जरूर से बताना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और वीडियो कैसी लग रही है बताना यार। अभी देखो कुछ टाइम एग्जाम्स थे तो वीडियो नहीं आ रही थी, मगर अब वीडियो आएगी बहुत जल्दी जल्दी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए तुम लोग भी अपना ध्यान रखो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।